अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने यकसां कौमी निसाब राइज कर दिया है। पूरे मुल्क में यकसां तालीमी निसाब होगा, यानी HSN का बच्चा भी वही बुक पढ़ेगा जो एक रहमत मॉडल स्कूल का बच्चा पढ़ता है। बीकन हाउस LGS का बच्चा भी वही बुक पढ़ेगा जो कि कोई भी प्राइवेट या छोटा स्कूल जहाँ पर एक गरीब का बच्चा पढ़ता है, जहाँ पर एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा पढ़ता है, जहाँ एक अपर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा पढ़ता है या जो एक नीच क्लास का बच्चा जो पढ़ रहा है, ताकि उन तमाम का आपस में एक तालीमी रुझान जो है एक इक्वालिटी की बुनियाद पर हो। ये आप बुक्स देख सकते हैं जिसमें साइंस, मैथमेटिक्स, इस्लामियात, मुआशरत उलूम और इंग्लिश की बुक्स भी हैं। बहुत से लोगों के माइंड में ये सवाल आते हैं, खास तौर पर जो पेरेंट्स हैं, स्कूल के जो ऑनर्स हैं और इसके साथ साथ जो डीलर हजरात हैं और सबसे बढ़कर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इन किताबों को पढ़ना है, उनके माइंड में सबसे पहली ये बात आती है कि शायद हमने जो किताबें पढ़नी हैं ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, KPK टेक्स्ट बुक बोर्ड या जो फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड है, हमने वहीं से लेनी है। उसके अलावा हम किसी भी ऑथराइज डीलर की किताब को स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। स्कूल मालकान हैं वो भी इस वजह से डरते हैं कि गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा उन पर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप हमारे अलावा किसी की किताबें नहीं ले सकते। तो जनाब, इस वक्त मौजूद हूँ मैं मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स के MD राना फयाज अहमद फैजी साहब के साथ, जो कि उन पेरेंट्स के, उन स्कूल ऑनर्स के, उन डीलर्स के और उन बच्चों के माइंड में आने वाले वो तमाम सवालात का जवाब देंगे। इमरान खान साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है, बतौर पब्लिशर आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव आज से बहुत देर पहले हो जाना चाहिए था जो कि इमरान खान साहब ने अब इसको किया है। गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल को एक करिकुलम पे लेकर आए हैं। इससे पहले कुछ इंटरनेशनल करिकुलम चल रहे थे, कुछ पाकिस्तान का करिकुलम 2006 का चल रहा था। अब ये 2006 के बाद 2020 में नया करिकुलम आया जो कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को एक कर दिया है। जो करिकुलम है, किन किन ग्रेड्स पर इनिशियली इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी और अगले साल किस पर जाएंगे और उससे अगले साल यानी 2023 में किस पर जाएंगे? रवा साल 2021 से के टोटल तीन फेज हैं। सेकंड फेज इसका 2022 में आएगा, 6-8 क्लास, 8-10 क्लास 2023 में आएगा। ये तीन फेजेस में, तीन सालों में इसकी इंप्लीमेंटेशन की जाएगी। प्री प्राइमरी से फिफ्थ ग्रेड तक 2021 में इम्प्लीमेंटेशन होंगी इस यकसां तालीमी निसाब की। फिफ्थ ग्रेड से एट्थ ग्रेड तक 2022 में इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी और एट्थ ग्रेड से ट्वेल्थ ग्रेड तक 2023 में इम्प्लीमेंटेशन होगी, ताकि ग्रेजुअली आप चेक एंड बैलेंस भी रख सकेंगे पाकिस्तान में मौजूद ये तालीमी निसाब जो बड़ा घिसा पिटा था उसको इक्वालिटी की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान में जब राइज किया जाएगा तो बच्चों का ना सिर्फ एक ज़हनी नशोनुमा भी बढ़ेगी और उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी डेवलप होगा। मूनलाइट पब्लिशर्स के पास ऑलरेडी भी बहुत ज्यादा स्टॉक होगा, तो वो जब इन्होंने निजामे तालीम को यकसा कर दिया तो आपकी जो बुक्स हैं जो कि करोड़ों रुपए मालियत की होंगी और ऑलरेडी आपने पब्लिश कर दी हैं और आपके स्टॉक में पड़ी थी, आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो उनका क्या करेंगे आप? उनका अभी तो कुछ नहीं हो सकता है। जैसे करिकुलम चेंज होता है तो उसके मुताबिक जो किताब डेवलप होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। अभी 1-5 क्लास के उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की है, तो pre-5 क्लास की कुछ किताबें हमारे पास जो स्टॉक पड़ती हैं वो लाखों में होती हैं, उसकी जो मालियत है वो करोड़ों में बनती है। लेकिन ये एक इतना अच्छा इनिशिएटिव है, हमने इमरान खान साहब के इस विजन को देखते हुए और उसके साथ जब हमने उसको करिकुलम को स्टडी किया, वो एक अच्छा करिकुलम था, और उसको देखते हुए हम इस चीज़ को डियर कर रहे हैं कि हमने अब आगे नया लेके चलना है, अपने मुल्क को आगे लेके चलना है। आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसके लिए? इसको सैक्रिफाइस कर रहे हैं। दूसरी कंट्रीज में करिकुलम की रीडेवलपमेंट होती है, उसमें नया से नई क्रिएटिविटी आती है, तो हमारे मुल्क में 2006 के बाद इमरान खान साहब ने 2021 में नया करिकुलम लॉन्च करवाया जो कि काफी गैप के बाद ये करिकुलम नया आया। बहुत से लोगों के माइंड में ये ख्यालात होंगे, खासतौर पर जो स्कूल मालिकान हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, क्या हम जो है गवर्नमेंट की एक जो पब्लिशिंग के इदारे हैं उसके अलावा किसी की कोई किताब नहीं पढ़ सकते, तो क्या मूनलाइट अपने आप को इस चीज में प्रोमिनेंट करता है या डिफरेंशिएट करता है, या आपके पास NOCs हैं कि आपकी बुक स्कूलों में पढ़ाई जा सकती हैं और डीलर्स हजरात उसको खरीद सकते हैं या पेरेंट्स भी धड़ल्ले से खरीद सकते हैं बेखौफ खतर?
बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले हमने किताबों को करिकुलम से अप्रूव करवाया, करिकुलम काउंसिल से, इस्लामाबाद है, इसी तरह केपीके में डीसीटी के नाम से एक इदारा है जो केपीके के लिए अथॉरिटी है, वो उसको एनओसी देती है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं। इसी आपके पास कितने एनओसी हैं? 18वीं तरमीम के बाद हमें तीनों सूबों से अलग अलग एनओसी लेना पड़ रहा था। तमाम किताबें हमने अप्रूव करवा ली हैं, टेक्स्ट बुक्स में भी और जो सप्लीमेंट्री रीडिंग मटीरियल में। हमारे पास तकरीबन 150 के करीब एनओसी हैं। कुछ एनओसी हमने यहाँ फ्रेम भी किए हुए हैं कि जो कि लोगों को अवेयरनेस के लिए बताया है कि ये एनओसी हैं। आप कैमरे की स्क्रीन पर ये डिस्प्ले देख सकते हैं जिसमें इनके पास तीन उस वक्त के एनओसीज हैं जब एनओसीज लेना इंतहाई मुश्किल था, और 200 के करीब इनके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स वो भी हैं जिसमें ये पब्लिशिंग कर सकते हैं। और ये एक किताब की नहीं है, ये एक निसाब की है जो कि नेशनल कैरिकुलम और जो हमारी वजारत तालीम है उससे अप्रूव्ड होता है, और वो तमाम तर सर्टिफिकेट्स जो है ये इस बात का आदा कर रहे हैं और इस बात की दलील है कि जो पेरेंट्स इस वजह से परेशान हैं, जो स्कूल मालिकान इस वजह से परेशान है कि खुदा ना खास्ता कहीं हम अगर मूनलाइट पब्लिशर्स की किताबें अपने स्कूल में रखते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं या पेरेंट्स खरीदते हैं तो कहीं उनका स्कूल सील हो जाएगा या उसको वार्निंग दे दी जाएगी गवर्नमेंट की जानिब से। तो जनाब गवर्नमेंट के ही ये एनओसीज हैं, आप इन किताबों को बेखौफो खतर अपने बच्चों के लिए खरीद सकते हैं एक अच्छे डिजाइन में, और इतनी अट्रैक्शन है जिसमें बच्चों का खुद इंटरेस्ट पैदा होता है कि मैं कुछ ना कुछ पढ़ूं। ये जितना भी आप कैरिकुलम डिजाइन करते हैं, पब्लिशिंग करते हैं, इसके लिए कोई खास तौर पर माहिरे तालीम रखे जाते हैं? करिकुलम डेवलपमेंट तो डिपार्टमेंट ने किया, गवर्नमेंट ने बहुत बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क से एजुकेशनिस्ट को हायर किया, उनसे उन्होंने करिकुलम डॉक्यूमेंट इख्तियार किया। उसके बाद किताब डेवलप करना पब्लिशर की जिम्मेदारी में आ जाता है, तो उसमें हमारे पास एक R&D लैब है जिसमें हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होती है पूरी, जो उसको समझ के करिकुलम को उसके ऊपर फिर कॉन्टेंट डेवलप करते हैं। तो हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी उसके लिए क्योंकि टाइम लाइन बहुत कम थी। R&D टीम को हमने एक्सटेंड किया और उस किताबों को टाइम से और पूरे गवर्नमेंट के दी हुई डेडलाइन के ऊपर हम किताबें डेवलप। पैगाम देना चाहेंगे स्कूल मालिकान को और पेरेंट्स को और खास तौर पर बच्चों को तो दे सकते हैं आप। मैं यही पैगाम देना चाहता हूं कि हमारी तमाम किताबें तमाम सूबों से अप्रूव हो चुकी हैं, पूरे पाकिस्तान में गिलगित से कराची तक तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास इसका स्टॉक अवेलेबल है। बिला झिझक आप उसको परचेज कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, स्कूल वाले स्कूल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हमारी किताबों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स के डायरेक्टर मार्केटिंग एंड फाइनेंस राणा नईम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या रखी हैं आपने और फाइनेंस को भी आप देख रहे हैं, और फाइनेंस को तो बेयर करना इंतहाई मुश्किल होता है जब नई गवर्नमेंट आए और गवर्नमेंट आके कुछ इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन कर दे जिससे आपका पुराना निसाब जो स्टॉक की फॉर्म में करोड़ों रुपए का पड़ा है लेकिन आपने नेशनल इंटरेस्ट में सबकी कुर्बानी दे दी। फाइनेंस में हमें प्रॉब्लम ये आया कि हमारा पिछला स्टॉक जो 2006 के करिकुलम पे अप्रूव था वो स्टॉक सारे का सारा वेस्ट हो गया। अब हमने डेवलपमेंट फेज में क्योंकि हमने जल्दी से जल्दी काम करना था, बुक्स अपनी जल्दी से जल्दी मार्केट में लानी थी, तो उसके लिए हमें अपनी मार्केटिंग टीम को भी एक्सटेंड करना पड़ा, अपनी डेवलपमेंट टीम को भी एक्सटेंड करना पड़ा और हमने डबल शिफ्ट में काम किया, चीजों को रीडिजाइन करना पड़ा। ये तकरीबन 32 बुक्स बनती है जिसमें सारे सब्जेक्ट शामिल है, उर्दू इंग्लिश मैथ इस्लामिया शामिल है, तो उसको डेवलपमेंट के लिए क्योंकि एक एक लफज एक एक चैप्टर एक एक चीज को पढ़ के और आगे मार्केट में हमने भिजवाना होता है, उसमें हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा मवाद शामिल करें। राणा साहब अब तक मूनलाइट पब्लिशर्स की बुक्स हैं ये स्टॉक की फॉर्म में किन किन बड़े स्कूल्स ने अपने पास मंगवा ली हैं या उनके स्टॉक में पड़ी हुई है? मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं बता सकता लेकिन बहुत से लोगों ने बहुत से बड़े चेन सिस्टम्स ने इसको अडॉप्ट किया और हमें हमारी इस काविश को अप्रिशिएट किया है। कुछ लोअर मिडिल क्लास स्कूल भी शामिल हैं, उसके बाद इसमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं, चेन स्कूल सिस्टम शामिल हैं। आप कोई आखिर में पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं। बतौर मार्केटिंग डायरेक्टर मूनलाइट पब्लिशर मैं ये पैगाम ये देना चाहूँगा कि आप इन किताबों को अपने स्कूल्स में इंप्लीमेंट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है और कंटेंट को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप किया है। इसमें बहुत बेहतरीन पाकिस्तान के नामवर एजुकेशनिस्ट शामिल हैं इसकी डेवलपमेंट में। इस किताब को अपने स्कूल में इंप्लीमेंटेशन के बाद हम इसमें आपको रिसोर्स मटेरियल के तौर पर वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, उसके ऊपर हमारी डेवलपमेंट शुरू है। उसके बाद इसमें हम डेली लेसन प्लान बना रहे हैं, इसमें हमने एक ऑनलाइन टेस्ट मेकिंग सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें स्कूल अपनी अकॉर्डिंग टू देयर नीड सबमिटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें की बुक्स टीचर्स के लिए बनाते हैं, उनके लिए टीचर गाइड्स बनाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इसमें टीचर ट्रेनिंग भी मॉड्यूल शामिल कर रहे हैं इन बुक्स के अकॉर्डिंग, जो आगे जाके स्कूल्स की टीचर्स को प्रॉब्लम आएंगी उसके ऊपर इनको ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करेंगे। स्कूल मालिकान पेरेंट्स और डीलर्स के माइंड में किसी भी किस्म की क्यूरीज हैं तो आप इनकी वेबसाइट का जो लिंक है एड्रेस है स्क्रीन पर देख सकते हैं। वेबसाइट को विजिट करके आप वो तमाम तर सवालात जो हम डिटेल्ड इस इंटरव्यू में नहीं दे सके वहां पर तमाम तर मालूम
मालूमात ले सकते हैं। और इसके साथ साथ उन तमाम पेरेंट्स के लिए, स्कूल मालिकान के लिए और डीलर्स हजरात के लिए और खास तौर पर बच्चों के लिए खुशखबरी है कि मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स की किताबों को बेखौफो खतर आप खरीद भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और स्कूल मालिकान को किसी भी किस्म की कोई भी हर्डल का सामना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की जानिब से नहीं करना पड़ेगा। ये इंतहाई शानदार इकदाम है जिसमें पूरे मुल्क में यकसां तालीमी निसाब राइज होने जा रहा है। अल्लाह ताला हामी और नासिर हो पाकिस्तान का और पाकिस्तान की नस्लों का। अपने मेजबान यासर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।